26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कीली नौ, कौमी असम्बली और सैनेट से हुकूमत और अपोजिशन के दो दो नाम फाइनल। कौमी असम्बली से हुकूमत की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो और उमर अयूब अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सैनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी और अपोजिशन के शिबली फजार जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बेंचेस की तश्कील करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री भी करेगा। बन्नू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर आतिफ खलील और तीन जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का कापका खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ATC जज अबुल हसनात पर बरहम। केस की समाअत के दौरान हिबाक दिए। साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इन्होंने की है। आप ज़रा देखें तो सही, ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत इस शख्स का दिफा कर रही है।